सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण लेने वाले हैं संज्ञा। शायद पहले भी एक बार हम समझ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से इसे समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं उसकी व्याख्या यानी कि परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु प्राणी स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी वस्तु प्राणी स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण हम समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसके प्रकार। संज्ञा के तीन प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य तीन भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम इन तीनों भेदों को अलग अलग करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वापस एक बार दोहरा देती हूँ। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति यानी कि कोई स्पेशल, कोई मुख्य व्यक्ति है, वस्तु स्थान आदि का आदि के नाम की जानकारी मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
कुछ उदाहरण समझते हैं। प्रथम उदाहरण लेते हैं, मेरे दादी आगरा मेरे दादी आगरा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आगरा, यानी कि ये स्पेशल जगह बता रहा है, कहाँ रहते हैं? आगरा में। तो अगर पूछा जाए कि इस वाक्य में संज्ञा क्या है, तो इस वाक्य में आगरा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा दर्शाता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, सचिन तेंदुलकर अच्छा सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर है। तो अच्छा क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। इसके ऊपर विशेष भार दिया गया है। तो इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि संज्ञा कौन सी है, तो हम बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, इसीलिए इस वाक्य में सचिन तेंदुलकर है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा दर्शाता है। इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं वो हम समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो व्यक्तियों के नाम, अगर कोई व्यक्ति से नाम से जुड़ा हमें वाक्य लिखना है, जैसे कि महेश स्कूल जा रहा है, तो यहाँ महेश है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा हम ले सकते हैं स्थानों के नाम, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि मेरी दादी आगरा में रहती है, तो आगरा स्थान यानी कि जगह दर्शाता है, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद है खेलों के नाम, खेल यानी कि कोई खेल, जैसे कि हम बताएं कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, तो यहाँ पर क्रिकेट के नीचे अंडरलाइन कर हम बता सकते हैं कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है त्योहारों के नाम, उसके बाद है दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम पे वाक्य हम बनाते हैं कि दिवाली के त्योहार पर हम खूब सारी मिठाई खाते हैं। तो यहाँ पर दिवाली है, उसके नीचे अंडरलाइन करके हम बताते हैं कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे ही दिनों के और महीनों के नाम भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरी होती है। अब हम दूसरी संज्ञा लेते हैं, दूसरी संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा।
परिभाषा लेते हैं। सबसे पहले जो शब्द किसी प्राणी वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें जातिवाचक जो शब्द किसी प्राणी वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम एक दो उदाहरण लेते हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर अध्यापक यानी कि एक शिक्षक, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति यानी कि एक अकेले शिक्षक की नहीं, यानी कि यहाँ पर पूरे शिक्षक जाति की बात हो रही है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जानवर जंगल में रहते हैं, तो हमें यही नहीं बताया कि सिंह यानी कि लायन या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति यानी कि कोई प्राणी की बात नहीं हो रही है, लेकिन पूरे जानवर यानी कि जितने भी जानवर है वो सारे कहाँ रहते हैं, जंगल में, यानी कि जंगल में पूरी जानवर की जाति की बात हो रही है। आशा करती हूँ यह दो संज्ञा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी की संज्ञा हम अगले पीरियड में सीखेंगे। धन्यवाद।